और मैं अपने 22 गांव के लोगों से कहूंगा, बता मुझको 22 गांव अगर मिला देंगे, 5-4 पंचायत का 22 गांव है, 4 पंचायत का। आने के बाद दिलकश राजवी साहब, मैं एक एक कुंडली खंगाल रहा था, मुझे मालूम है कि मेरी औलादों को सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी बनाया जाता है और इक्तदार की छत पर चढ़ने के बाद सीढ़ी खींच ली जाती है ताकि कोई मुसलमान का बच्चा न गलती से चढ़ जाए। तो बलियावी ने भी अब कसम खा लिया है कि मैं उस बांस के डंडे को जला के रख दूंगा और जलाने के लिए मैं आग का इस्तेमाल नहीं करूंगा, इत्तेहाद का इस्तेमाल। अरे जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुश शरिया बोल। इसलिए मैं विनती करके कहूंगा, जलसे रोज की हो, 22 गांव 4 पंचायत के बीच कोई एक हाई स्कूल नहीं, एक हाई स्कूल नहीं जहां हमारी बेटियां नकाब पहन के शान से जा सके, एक हाई स्कूल नहीं जहां हमारे बच्चे बिंदास होकर जा सके। इसलिए कि जिस कौम को जिंदा दफन करना हो, उस कौम को खंजर से मत मारो, तालीम से मार दो। जब तालीम से मरी हुई कौम रहेगी तो पानी सामने रहेगा, उठकर पी नहीं पाएगी। और पढ़ी हुई लिखी कौम अगर मरेगी तो मरते मरते भी उंगलियों से जमीन पर मरने का हादसा लिख के मरे। हक है, हक है। क्या इस तारीख को बर्बाद करने के लिए यह मिशन क्रिएट किया गया। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा और आपसे विनती करके कहूंगा कि अब ज्यादा इंतजार मत कीजिए, इसके लिए 4-5 कमेटियां बनाइए हर गांव के लोगों को मिला करके। और मैं अपने उलमा से विनती करके कहूंगा, मौलाना दिल बड़ा कीजिए, अरे हमारे बच्चे अपना खून दे देंगे, खून जी। और इसका एहसास मुझे दिलकश भाई जब बीमार पड़ा हूं तब हुआ है, तब बलियावी को मारने के लिए रमजान से पहले क्या नहीं किया गया। आज तक मैंने इस राज को राज में रखा है और कभी इसको आउट भी नहीं होने दूंगा। लेकिन जो मुफ्ती आजम की चौखट का बिका हुआ कलंदर हो, उसे जल्लादों के बाजुओं में दम नहीं जो मार सकेगा। जो कादरी फकीर के टुकड़ों के साथ पला हो, उस कादरी फकीर के पाले हुए को मारने से पहले 1000 बार सोचना। बलियाबी को पता भी न चला कि मारने वाले खंजर चार तरफ से कौन कौन उठाए थे, लेकिन खंजर उठाने वालों के आज बाजू भी तन में बचे नहीं है, कट के गए। अल्लाह, वो काम हुआ। लेकिन जैसे ही पता चला, कैसे कैसे कुछ खबर फैल गई, रात को 3-3 बजे तक, सुबह फजीर के वक्त तक हमारे बच्चे फोन करके सिर्फ इतना कहते थे, हजरत सिर्फ एक बार आप बोल दो, सिर्फ एक बार बोल दो, वो कौन लोग हैं, सिर्फ एक बार बोल दो। हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी है, मुलाकात नहीं है, कोई बात नहीं। अल्लाह, लेकिन आपकी आपकी मोहब्बत दिल में किस कदर है, कोई माई का लाल तोल नहीं सकता। एहसास हुआ कि अगर हम इखलास और खिदमत के जज्बे के साथ मैदान में उतरेंगे जी, तो लिख लीजिए हमारा कदम पीछे रहेगा, हमारी कौम के बच्चों का कदम हमसे आगे मिलेगा। इसलिए कि मेरी कौम अकीदतों का चिराग कभी बुझने नहीं देगी, मोहब्बतों के दिए के लौ को कभी कम नहीं होने देगी। इसलिए मैं विनती करके कहूंगा, पेट फटे तो फट जाने देना नहीं, सर फटे तो फट जाने देना, टाका लगाकर फिर बचा लेंगे, लेकिन इत्तेहाद का पेट कभी मत फटने देना। सुनो,
ईमान टूटेगा फिर बना लोगे, दौलत लूटेगी फिर कमा लोगे, खेत बिकेगा फिर कमा कर खरीद लोगे, गाड़ी लूट जाएगी फिर कमा कर खरीद लोगे। लेकिन अगर एक पीढ़ी जाहिल रह गई तो 300 साल तक तेरी नस्लें कभी उठकर खड़ा नहीं हो पाई। इसलिए कि किसी भी कौम की कियादत और अमानत की छत उसी वक्त ढलती है जब उस कौम के बच्चों की तामीर तालीम की ईंट से हुई रहती है। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा, बंद करो बारात ले जाना, निकाह सस्ता करो, बंद करो कर्ज लेकर के वलीमा खिलाना। दूसरी लानत और आ गई और इसके खिलाफ भी हुल्ला बोलना पड़ेगा। हाजी हज पे जाता है, जितना हज पे खर्चा नहीं होता उससे बेशी दावत पे खर्चा हो रहा है। अल्लाह, हज कम करेंगे ढिढोरा खूब पीटेंगे। अच्छा है, ये जरूरी माफ करना। अरे मदीने जाना बहुत आसान है रे, शहरे रसूल जाना आसान नहीं है। वाह 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 वाह, हक है, आसान नहीं है। कहां कूचे मुस्तफा, कहां कूचे मुस्तफा, कहां कूचे मुस्तफा, और कहां मैं मुजरिम। उस्ताद जमन ने यही तो कहा, खाक के तैबा पे चलू, चल के गिरूं, गिर के चलू, खाक के तैबा पे चलू, चल के गिरूं, गिर के चलू। अब उलमा इजाजत दे तो एक आखिरी नुक्ता अर्ज करके गुफ्तगू खत्म कर दूं। पूरी दुनिया में खूबसूरत शहर बहुत है, पूरी दुनिया में हाईटेक मुल्क बहुत, शक्तिशाली देश बहुत थे, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे मुस्तफा की अजमत शान पर। वाह वाह वाह, जमीन सारी रब की, जमीन सारी, आसमान सारा रब का, शमशो कमर माहो नजूम सब रब के, लेकिन मेरा रब उस शहर की कसम नहीं फरमाता जो शहर मालदारों का शहर हो, बल्कि मेरा रब उस शहर की कसम फरमाता जिस शहर में रब का महबूब रहा करता। वाह 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 वाह, बेशक उस मदीने तैयबा के जाने वालों से बलिया भी अर्ज करेगा, जाओ 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 ओ शहर तैयबा जाने वालों, जाओ, लेकिन जाने से पहले एक बार सोच लो कि तुम सोने के शहर में नहीं जा रहे हो, रसूल के शहर में जा रहे हो, जहां फरिश्ता एक बार उतर जाए तो दोबारा उतरने को मौका न मिले। माफ करना, हर आदमी पर हज फर्ज नहीं है रे, हज की फर्जियत के लिए साहब इस्तेताद का होना जरूरी है। बाबू मेरी ट्रेन का टाइम हो गया जी, बस आखिरी बात, गाड़ी मंगा लीजिए। जिस तरह हाजियों का काफिला चला दिलकश, एक शहर से गुजर रहा था, आज हवाई जहाज का सफर है, वो दौर वो था जब ऊंट खच्चर घोड़े और पैदल सफर होता था। चौराहे पर वक्त का एक बड़ा इमाम सैयदना मालिक इब्ने दीनार पड़े हैं। अच्छा, जाने वाले हाजियों का काफिला अल्लाहुम्मा लब्बैक
شریک لبیک اللهم لبیک لا شریک لبیک کی صدائیں دیتا شہر رسول جا رہا. سیدنا مالک ابن دینار کہتے یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے کہا حاجیوں کا قافلہ ہے شہر مصطفیٰ جا رہا ہے. مالک ابن دینار جانے والے حاجیوں کے پیچھے پیچھے دوڑتے گئے دوڑتے گئے. اونٹ اور کھچروں پر سوار قافلہ آگے نکل گیا. مالک ابن دینار ایک ٹیلے پر چڑھ کر قافلے کی اڑتی ہوئی گرد کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں اے جانے والو ایک طواف میری طرف سے بھی کر لینا. اے جانے والو ایک بار حجر اسود میری طرف سے بھی چوم لینا. اے جانے والو میرے آقا کی بارگاہ میں میرا بھی سلام کہنا. سبحان اللہ. اے جانے والو تم بڑے خوش نصیب ہو کہ مصطفیٰ نے بلا لیا. مالک ابن دینار اسی چوراہے پر اپنا کام کرنے لگے اور فرماتے کہ اگلے سال میں بھی حج پہ جاؤں گا. کچھ کچھ دینار جمع کر کے جھولا میں رکھتے جاتے. سال لگ گیا حاجیوں کا قافلہ آیا. جیسے ہی قافلہ دیکھے مالک ابن دینار دوڑ کر گئے اپنا جھولا لینے میں بھی قافلے کے ساتھ حج کو جاؤں گا. جیسے ہی گھر سے باہر نکلے دیکھتے ہیں شام کا وقت ہے اور سامنے دروازے کے ایک کوڑا خانے پر میری قوم کی ایک جوان سال بچی بڑی حسرت سے شہر اور در و دیوار کو دیکھ رہی. بچی کو جب یقین ہو گیا کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا تب بچی زمین کی طرف جھکی اور کوئی چیز اٹھا کر اپنے آنچل میں چھپا لی. مالک ابن دینار راستے میں کھڑا ہو گئے. کہتے بیٹا تجھ کو بتانا ہوگا کس مجبوری نے تجھ کو اس کوڑا خانے پر اکیلے کھڑا کر رکھا تھا. بچی کہتی ہے مالک ابن دینار آپ حج کو جا رہے ہیں جائیے حاجیوں کا قافلہ چھوٹ جائے گا جائیے. مالک ابن دینار کہتے نہیں جاؤں گا نہیں جاؤں گا. مجھے بتا کن مجبوریوں نے تجھ کو یہاں روک رکھا تھا. بچی کہتی مالک ابن دینار میرا راستہ چھوڑ دو ورنہ قیامت کے دن میرے اللہ کو جواب دینا پڑے گا. اسی بیچ اس بچی کے آنچل میں چھپا ہوا ایک مرا ہوا پرندہ زمین پر گر پڑا. مالک ابن دینار کہتے بیٹی رسول اللہ کی شریعت میں یہ کھانا حرام ہے. بچی کہتی ہے مالک ابن دینار میں عالم کی اولاد ہوں مجھے یہ مسئلہ معلوم ہے لیکن میرے اس بھائی کے لیے حلال ہے جو بھوک سے موت کے دروازے پر کھڑا ہو چکا ہے. حج کو جانے والو جاؤ لیکن اپنے پڑوس سے ایک مرتبہ ذرا دیکھ لو تب جاؤ. سیدنا مالک ابن دینار اپنے حج کا سارا پیسہ دے دیے اسی چوراہے پر لگ گئے. اللہ کے سارے بندے طواف کعبہ میں رات کی تنہائیوں میں گنہگار ہچکیاں لے کر روتا. اسی میں ایک اللہ کا بندہ محبوب بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا اے اللہ یہ راتوں کی تنہائیوں میں سسکیاں یہ گنہگاروں کی چیخ ہے پروردگار اس میں سے تو نے کتنوں کا حج قبول کیا کتنوں کا نہیں قبول کیا تو جانتا. اس بندے کے دل پر القا ہوتا ہے میرے بندے یہ جتنے آئے ہیں ان میں سے کسی کا حج قبول نہیں کیا لیکن میرا ایک بندہ جو طواف کعبہ کرنے نہ آ
उसके नहीं आने के सदके सबका हज कबूल कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुज्जाजे कराम। हज को जाओ जाओ, दौलतों का प्रचार करके मत जाओ, दौलतों का ढिढोरा पिटकर मत जाओ, बल्कि ये सोच कर जाओ कि मेरे जुर्म होंगे, रब की रहमत होगी, नबी की शफात होगी। हम जा रहे हैं जिस्म को लौटाने के लिए नहीं, हम जा रहे हैं अपनी रूह को, अपनी रूह को सेहतमंद बनाने के लिए। माफ करना ये कड़वा सच है, जब आबादियों में झगड़ा होता था तो होता था किसी हाजी को बुलाबो, वो फैसला करेगा, सब मान लेंगे। जी अच्छा, बोलो सही है कि गलत? जी, अरे बोलो ना। और आज इसलिए इन्हीं चंद जुमलों के साथ एक आखिरी बात पूछ लूं कि क्या आने वाले दिनों में अगर 22 गांव की मुस्लिम महापंचायत बुलाई जाए, दीन में, तो नया रिकॉर्ड और नई तारीख लिखोगे कि नहीं लिखोगे? नहीं बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो, जोर से बोलो, नहीं बोल रहे हो। 22 गांव की मुस्लिम महापंचायत, जब खाप पंचायत फैसला ले ले तो दिल्ली हिल सकती है, मुस्तफा वाला फैसला ले ले तो जमाना हिल जाएगा। बेशक बेशक यार, जिंदा सोहबत बाकी, सलामत।